अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज तूफ़ानी बारिशों के बाद आज जो है ना वो मौसम जो है ना वो दोबारा से फर्स्ट क्लास हो गया। गर्मियों वाला धूप शूप निकल आई है और जानवरों के लिए जी मसला ही रहता है। जितनी मर्ज़ी अच्छी बारिशें हों, बारिशों में टेंशन ही रहती है। तो उन टेंशनों से बाहर आ गए हैं, धूप शूप निकल आई है। कैनल पर एक सरप्राइज़ भी हमें मिल गया नया रमज़ान के महीने में, वो भी आज आप लोगों को दिखाएंगे। दूसरा ब्रूटस भी पहले से बहुत बेहतर हो चुका हुआ है, खाना शाना उसने खाना शुरू कर दी है। तो आज उसको नहलाना भी है कि उसको नहलाते हैं, ज़रा उसको साफ़ सुथरा करें। इतने दिनों से बैड लक चल रही है, नहलाने का टाइम ही नहीं मिल रहा हमें। रोज़ के रोज़ मसले के मसले ऊपर उठते हुए नहलाने का टाइम नहीं मिला, आज उसको नहलाते भी हैं। कुछ सेटिंग भी चेंज करनी है, कुछ तोहफे भी आए हैं कुछ नए, वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। अभी मैं एक दोस्त को पिक करने जा रहा हूँ, पहले मेरा दोस्त है सुफियान, उसको पिक करने जा रहा हूँ। पेशावर से आया मैं, पहले उसको लूँगा, उसके बाद फिर किसी दिन अब पेशावर जाऊँगा तो आपको पेशावर वाला सेटअप भी दिखाऊँगा। अभी मैं पहले उसको पिक करने जा रहा हूँ, पिक करके कैनल पर जाने। अच्छा जी दोस्तों, कैनल पर पहुँच चुके हैं, ठीक है। और दोस्त ने आना था लेकिन नहीं, वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो वो चला गया वापस, उसने वापस जाना था। हम जो है वो कैनल पर पहुंच चुके हैं और अब आपको कैनल पर सिचुएशन दिखाते हैं सबकी, और आज का जो हमें सरप्राइज़ मिला हुआ है वो भी दिखाते हैं। ये जी बहुत हद तक इसकी टांग जो है ना वो सेट हो चुकी हुई है। जहांगीर साहब ग्लव्स पहन रहे हैं, सिर्फ अंदर वाली साइड पर इसके आखिरी पस रह गई हुई है, वो आज ख़त्म करेंगे, आज उसका ऑपरेशन करेंगे। और उसको करने के बाद इंजेक्शन लगा कर कल तक बिल्कुल रेडी यस मैस हो जाएगा, और कल फिर इसको नहलाएंगे भी। अभी जी ऑपरेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों इसका ट्रीटमेंट आज का भी कर दी है कट लगा कर, और ये जितनी जगह पे आपको मिट्टी नज़र आ रही है सारी जगह भर गई थी, इतनी ज़्यादा पस थी, बहुत ज़्यादा थी। अभी बहुत ज़्यादा कम होगी टांग, अंदर वाली साइड पे अब बन रही थी, क्योंकि जैसे जैसे इंजेक्शन लग रहे हैं वो पस बन रही है, क्योंकि हार्ड हो गया था ना इसका बहुत ज़्यादा। अब उससे काफ़ी बेहतर हो चुका है ये। कल इसको जी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि कल इसको नहलाएं, साफ़ सुथरा करें। अभी इसके लिए मैं इंजेक्शन बना रहा हूँ, ये टीका ला के रखा है, ये इंजेक्शन अब इसको लगेंगे 3-4 दिन, उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर होगा। बाकी हमने ड्रेन श्रेन काफ़ी हद तक किए, कल भी करेंगे, अभी परसों भी करेंगे, जब तक बनता रहेगा निकालते रहेंगे। ये जी वापस कर दिया जी ब्रूटस को अंदर, ब्रूटस का आज का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया और सारी उसकी टांग में से जो रेशा मेशा था वो हमने निकाल दिया। अब थोड़ा सुकून सुकून करेगा अंदर आराम से बैठ कर, तो फिर ही सेट हो जाएगा। बाकी ये तीनों शैतान जी यहाँ पर मौजूद हैं, तीनों शैतान जो है ना दिन ब दिन सेट होते जा रहे हैं। ये जी जैवी मैडम आप लोगों के सामने, गुस्सा चढ़ गया जी, ऊपर से कोई बच्चा नजर आया उसके ऊपर आवाज़ आ रही है, बल्कि सिर्फ अभी नज़र नहीं आ रहा, तो गुस्सा चढ़ गया जी जैरी साहब को फुल। ये जी चेतन साहब अपने कमरे को धर्म भरम करते हुए, ये जी सारा ऊपर से हमने दोबारा वॉशलाइन लगा कर पक्का टाइट कर दिया, अब नहीं खुला इसे। आज सुबह से इस केज में निकाला हुआ था कि ये कोशिश करे हमें पता लगे कोई पंगा ले रहा नहीं ले रहा, लेकिन इसने कुछ नहीं किया ऐसा। ये जी तीनों अदद इधर बम किए हैं हमने। यार जहांगीर ये जो बजरी है ना ये सारी खोल देना अंदर ही, क्यों इसकी टांग छांग हो गई है सेट जी दोबारा, इसके ऊपर वो कोई चीज़ गिर गई थी छत पे, अब फिर ये इधर स्टेज में ऊपर से हटा दी हमने, हमने कहा ज़रा यहाँ एंजॉय करो आप। इसको बाहर नहीं निकाल रहे अभी, कल से निकालेंगे इंशाल्लाह, इसको बाहर लेकर जाया करेंगे साथ खुला। बाकी ये कि शुक्र है टांग ठीक हो गई, टूटी नहीं थी। दिन ब दिन यहाँ पे अपसेट होता जाएगा, सुकून में आएगा तो तब भी सारे प्रॉब्लम सही हो गए, वरना ये बड़ा शोर मचाता है जी।
अच्छा जी दोस्तों, सरप्राइज के बारे में आते हैं। हम सरप्राइज आपको दिखाते हैं जी। सरप्राइज ये हुआ है जी कि हमारे पास जो ये बकरी है, इसने कल रात में ये दो बच्चे दिए तकरीबन सुबह के टाइम, सहरी के टाइम पे। और ये जी सामने आप लोगों के, ये हमें जी रमजान के महीने में बेहतरीन सरप्राइज मिला, जो कि दोनों रात ना रहे। ओए चुप चुप खूब कर जाओ। ये जी दोनों नर बच्चे हैं, बहुत प्यारे हैं। ये यहाँ पे इधर ही हमारे डेरे के करीब एक डेरा था, वहां पे मक्खी चीना बकरा था, बहुत बड़े साइज का और ह्यूज साइज का। ठीक है, तो वो वैसे तो वो क्रॉस व्रॉस नहीं देते थे ऐसी बकरियों को, लेकिन उन्होंने फिर भी इसको क्रॉस हमें दे दिया था। तो ये जी उस मक्खी चीनी बकरी के बच्चे, ये देखें जी, ये क्या प्यारे बच्चे हैं, बेहतरीन किस्म की ये सफाई सफाई हो रही है जी इनकी। इनको चुस्की भी लगवाते हैं जी अपने सामने। ये जी बहुत कमाल की खबर हमें मिल गई है, बहुत देर के बाद फर्स्ट टाइम है जी हमारा बकरियों के साथ और बकरियों की ब्रीड वाला कि क्या चक्कर है क्या नहीं है। वक्फे वक्फे से ये फीड कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे, हाँ अभी पिया वह। चलो अभी सही तरीके से उतर जाएगा ये। चक इसके थन में कम तो नहीं है दूध एक साइड पे इसमें? हाँ। नहीं नहीं हो जाएगा, इसमें आ रहा है ना। हाँ। इसमें भी आ ठीक हो गया ये जी। सर जी जो मेन सरप्राइज था वो ये था हमारा, हमने क्या आज आप लोगों को भी दिखाए कि हमें खुशी की खबर मिली है, तो आप लोगों को भी साथ में इसके शरीक करें। अब कोशिश ये होगी कि ये तंदुरुस्त रहे और बचे रहे, चलने तो लग गए आज हल्के हल्के। इसको हमने रखा हुआ भी सेपरेट है। ये देखें जी दोस्तों, ये दोनों बच्चे, दिल की धड़कन उनकी तेज होगी मेरे हाथ में पकड़ते ही। बस जी इनको आप रख लो, जाएंगे सब। ले जाओ ले जाओ ले जाओ।